नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। जैसे कि आप जानेंगे, यानी कि 14/1/2022 का ये लेटर दिया गया है। इस लेटर में हम लोग देखेंगे ICDS के तरफ से निर्देश में दिया गया है, जैसे कि सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार के लिए आप लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप लोग को विषय में देखने के लिए मिल रहा है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, यानी कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में इस लेटर में दिया गया है। जैसे कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से वृद्धि निगरानी, यानी कि आप लोग को वृद्धि निगरानी, गृह भ्रमण, टेक होम राशन, ग्रामीण स्वच्छ स्वच्छता एवं पोषण दिवस, यानी कि आप लोग को इस तरह से सभी का वीडियो हमने आंगनबाड़ी स्थान पे अपलोड किया है। तो आप लोग इसको देख के आप लोग यहाँ पे गृह भ्रमण, यानी कि गृह भ्रमण होगा, टेक होम राशन होगा, या ग्रामीण स्वच्छ स्वच्छता एवं पोषण दिवस आप लोग मनाते होंगे, जैसे कि VHSND इत्यादि की मासिक अनुश्रवण करने के संबंध में। तो यहाँ पे आप लोग को जो ये लेटर में आप लोग को खास जानकारी, आप लोग को जो इस तरह से कोई भी दिवस मनानी हो, या पोषण ट्रैकर में वृद्धि निगरानी भरनी हो, या आप लोग जो राशन भरते होंगे, यानी कि THR आप लोग करते होंगे, ये सभी को आप लोग को जो बिहार में कुछ कम किया जा रहा है, यानी कि पोषण ट्रैकर पे काम, इसीलिए आप लोग को इस लेटर में दिया गया है। आगे हम लोग जानते हैं, जैसे कि महाशय ऊपर इस विषय के संदर्भ में कहना है कि ICDS अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आंकड़े प्रतिदिन सेविकाओं के माध्यम से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भरा जाता है। पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधि को एक निश्चित समय सीमा के अंदर निर्धारित मापदंड के अनुसार उपलब्धि हासिल कराना आवश्यक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है, जैसे कि जितना भी सेविका है वो आप लोग पोषण ट्रैकर में, यानी कि पोषण ट्रैकर में जितना भी काम है, यानी कि हो गए वृद्धि निगरानी, गृह भेंट, या टेक होम राशन, यानी कि THR, या कोई भी दिवस आप लोग मनाते होंगे तो आप लोग पोषण ट्रैकर में ही मना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखने के लिए मिला है, वर्तमान पोषण ट्रैकर के अनुसार राज्य के अंतर्गत वृद्धि निगरानी, यानी कि वृद्धि निगरानी जो है हम लोग को 35%, यानी कि गृह भ्रमण यानी कि 28%, उसके बाद टेक होम राशन सबसे कम आप लोग को देखने के लिए मिला है 3.1, और उसके बाद आप लोग देखेंगे VHSND यानी कि 4.8% आप लोग को इस तरह से पोषण ट्रैकर में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि केंद्र के संसाधनों के पेयजल सुविधा यानी कि 51% तथा टॉयलेट यानी कि जो शौचालय है उसकी सुविधा आप लोग को 56% इत्यादि की अथवा पोषण ट्रैकर के आंकड़े की प्रतिशत काफी कम है, यानी कि आप लोग को जितना भी आप लोग को देखने के लिए मिला ये काफी कम है तथा प्रतिशत ससमय नहीं की जा रही है, यानी कि समय पे आप लोग पोषण ट्रैकर में कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप लोग को इस तरह से लेटर आप लोग को भेजी गई है, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए। तो आप लोग को हो सकता है कि आने वाला दिन में, यानी कि 10 या 15 या एक महीना के अंदर में आप लोग को हो सकता है तो बहुत सारा प्रेशर मिलेगी LS के तरफ से। तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि जितना भी आप लोग काम करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वृद्धि निगरानी, तो हम लोग एक एक करके आप लोग को वीडियो देंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो डाली है, जैसे गरीब यहाँ पे वृद्धि निगरानी होगी, गृह भ्रमण हो गया, इसके बाद आप लोग देखेंगे तो टेक होम राशन, उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण स्वच्छता, और यहाँ पे जो यहाँ पे पोषण दिवस, यानी कि ये सभी के बारे में हम लोग आपको जैसे इससे पहले भी हमने दे चुके हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि हमारे वीडियो को, अगर हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो पर डे आप लोग को यहाँ पे वृद्धि निगरानी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो वीडियो है ये वृद्धि निगरानी से करेंगे, उसके बाद गृह भेंट करेंगे, उसके बाद टेक होम राशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लोग को वीडियो मिलेगी, यानी कि इससे संबंधित जितना भी वीडियो है आप लोग को खास जानकारी हम लोग आंगनबाड़ी हेल्पलाइन से देंगे। जैसे कि आगे हम लोग जानते हैं, जैसे कि आगे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, अतः अनुरोध है कि उपायुक्त के पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में प्रति माह केंद्र पर आयोजित होने वाली गतिविधि को श्रवण किया जाए तथा उनकी प्रविष्टि भी नियमित रूप से कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से आप लोग जितना भी आंगनबाड़ी सेविका है तो आप लोग एक एक करके, यानी कि वृद्धि निगरानी हो गई, या गृह भेंट हो गई, यानी कि टेक होम राशन हो गई, VHSND हो गई, इस तरह से आप लोग जितना भी है ये सबको हम लोग एक एक करके वीडियो बताएंगे। आप लोग हमारे आंगनबाड़ी हेल्प लाइन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आप लोग को जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे, यानी कि पर डे एक एक वीडियो हम लोग डालेंगे, जैसे कि शाम के 6 बजे के बाद ही हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे, आंगनबाड़ी हेल्प लाइन पे ये वीडियो डालते रहते हैं। कोई भी अपडेट होती है या छोटा मोटा या कमेंट भी आप लोग करते हैं तो हम लोग 6 बजे के बाद ही हम लोग अपडेट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।